नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों को क्वांटम नंबर सिखा रहा हूं। तो क्वांटम नंबर जिस तरह किसी भी व्यक्ति का हमको पता करना है, तो पता करना है तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, वह कौन सा देश में रहता है, इसके बाद वह किस राज्य में रहता है, इसके बाद वह कौन सा शहर में रहता है, इसके बाद वह किस मोहल्ला में, वार्ड नंबर, ये सब चाहिए। उसी तरह जिस तरह आपने व्यक्ति की जानकारी प्राप्त किया, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यह क्वांटम नंबर हमें पता करना पड़ता है। तो क्वांटम नंबर कहता है सेट ऑफ फोर नंबर विच गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। कहता है कि क्वांटम नंबर सेट ऑफ फोर नंबर, चार संख्याओं का एक ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देगी, उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इसमें आपका चार को क्वांटम नंबर होता है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर नंबर में स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिट पता चलेगा, वेलोसिटी, साथ में रेडियस, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, यह सब इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर आती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपका साइज क्या होगा उस पर पता चलेगा। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि सब सेल क्या होगा, इसका सब ऑर्बिट क्या होगा। स्पिन क्वांटम नंबर की आप क्लॉक वाइज में मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज में, यह हमें जानकारी प्राप्त होगी स्पिन से, इसे नोट करो। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की जानकारी सेल या ऑर्बिट में देती है, और इस क्वांटम नंबर को बोर ने दिए थे, निल्स बोर। तो कह रहा है कि गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहला इन्होंने क्या दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा, दी वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to infinity, 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। सेकेंड में इट गिव्स द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट, यह हमारे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितना होगा, यह आपका 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद आपका गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट, एनर्जी कितना होना चाहिए, -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके बाद आपका वेलोसिटी ऑफ एंथ ऑर्बिट में 2.18 × 10⁸ z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। यह पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ यह आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा आपने देखा कि इसके द्वारा ऑर्बिट की जानकारी प्राप्त हुई, इसमें एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, साथ में साथ आपका एनर्जी और एन का वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट होगा, यह आपको जानकारी प्राप्त होती, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π होता है, इसे नोट्स करो। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन बाय समरफील्ड ने इसे दिया, जो सब सेल इलेक्ट्रॉन की जानकारी सब सेल में पाई जाती है, वह सब सेल से इलेक्ट्रॉन की जानकारी पता चलता है, और इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द सब सेल, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा शेप ऑफ द सब सेल एंड ऑर्बिट एंड एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। एक्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 होता है रिप्रेजेंट। तब इसका वैल्यू जो होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर का n - l हो जाएगा। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का एनर्जी वैल्यू n - 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 है, और यह हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपका n - 1 है, कितना है,
इन में से वन को घटा देंगे। जैसे आपका वन में से वन को घटाए तो जीरो हो गया, टू में से वन घटाए तो वन हो गया, थ्री में से वन घटाए तो टू हो गया, और यह फोर है तो फोर में से वन घटाए तो थ्री हो गया। जब एजिमुथल क्वांटम नंबर जीरो हो तो इस सब ऑर्बिट होगा, जब वन होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर तो पी सब ऑर्बिट हो जाएगा, दो रहेगा तो डी सब ऑर्बिट, और थ्री रहेगा तो एफ सब ऑर्बिट होगा। साथ ही साथ अगला और वाइटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना कि अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन और फिर एच बाई टू पाई होता है। साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल में निकलना हो कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसका फॉर्मूला 2 × 2l + 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो एस के लिए हमें निकालना है तो यह एल का वैल्यू जीरो है तो 2 × 2 × 0 + 1 किए तो यह आपका दो इलेक्ट्रॉन एस में। जब पी में निकालेंगे तो यह फॉर्मूला 2 × 2l + 1 यह हमारा 2 × 2 + 3 × 3 = 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह डी का निकलना है तो एजिमुथल हमारे पास 2 है तो यह फॉर्मूला से 2 × 2 × 2 + 1 4 + 5 = 10 यह 10 इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब ऑर्बिट में होगा। एफ में निकालना है तो फॉर्मूला 2 × 2 × 3 + 1 यह हमारा 6 और 1 × 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका फिनिश हुआ, इसे नोट्स करो। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो कहता है कि द क्वांटम नंबर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय लिंड। इसे लिंड ने दिया था। यह हमारा इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल की पता चलती है। यह देख लो सब ऑर्बिट जो है जिसका वैल्यू याद रखना 2l + 1 यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। यह सब ऑर्बिट एस पी डी एफ होता है क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका 0, 1, 2 और 3 हुआ। इसके बाद मैग्नेटिक हो गया 2l + 1 करना है, यह हमारा 2 × 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 लेते हैं 2 × 1 = 2 + 1 3 हो गया, जब 2 लेते हो तो 2 × 2 = 4 + 1 = 5 इसके बाद जब f में निकालते हो तो 3 × 2 = 3 + 1 = 7 हो जाएगा सब ऑर्बिट। इसके बाद इसका शेप याद रखना, इसका शेप जो होगा स्फेरिकल, पी का डंबेल और डी का डबल डंबेल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह आपका स्फेरिकल यह हो गया यानी कि -1 इधर + 1 इधर यह आपका 0 हो गया, इसी तरह +1 - 1 जिस कारण इसका जो शेप होता है स्फेरिकल आता है। जब यह पी का जब निकालोगे, पी हमारा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यह 0 इधर -1 + 1 टोटल 3 हुआ। अब यह हमारा डबल डंबेल जब निकालेंगे डी के लिए तो डी का डबल डंबेल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, यह हमारा नॉन एक्सियल हो जाता है तो डी एक्स इसका 5 हमारा सब ऑर्बिट होता है और एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको इस तरह बनाना होगा, यह इसको यहां से मिला लो, इसको यहां से मिलाओ, इसको यहां से, फिर यहां से इसको, फिर यह साइड को हटाएंगे। यह एफ हो गया, एफ का स्ट्रक्चर। यह हमारा एस, यह पी और यह डी
और यह इफ, यह सबका स्ट्रक्चर हो गया। इसका जो हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें तीन नॉन एक्सियल होंगे और दो एक्सियल होंगे। इसको नोट्स कर लो। अब देखो इस तीन क्वांटम नंबर क्या है, कहता है कि द क्वांटम नंबर विच अराइजेज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। कहता है कि जो क्वांटम संख्या है आपका इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के कारण रोटेशन के कारण होता है उसे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसका दो वैल्यू होता है, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के लिए माइनस हाफ होता है। मान लेते हैं कि एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है आपका, या एस है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर या क्लॉक वाइज इसके लिए प्लस हाफ, क्लॉक वाइज में प्लस हाफ और एंटी क्लॉक वाइज के लिए माइनस हाफ, ये आपका एस का वैल्यू हो गया स्पिन क्वांटम नंबर का। इस तरह एक देख लो एग्जाम्पल में आपको कह देगा कार्बन सिक्स का इलेक्ट्रॉन सभी क्वांटम नंबर निकाले, तो यह कार्बन सिक्स को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कार्बन छह है 12 एटॉमिक मास, इसका 1s2 2s2 2p6 यह हमारा 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि यहाँ पर दो होगा तब ना, छह इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो एस, यह सेकंड हमारा के और यह एल ऑर्बिट हो गया, इसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन का 2p में देखना है दो इलेक्ट्रॉन है, तो यह हमारा p में जानते हो कि 3 गो, अभी अजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक में देखा कि 3 होता है, तो यह आपका दो इलेक्ट्रॉन है यह दोनों। इसमें देखो एल का वैल्यू कितना हुआ, या दो हुआ, एल एल का वैल्यू आपका पी है, तो कैसे निकालेंगे, एन बराबर 1 2 3 4 लेना है और एल का वैल्यू आपका एन माइनस 1 कर दो, यह हमारा 0 1 2 3 और यह आपका एस पी और यह डी और यह एफ के लिए। अब यहाँ पर पी है तो पी के लिए क्या है, 1 है, तो पी के लिए आपका एल का वैल्यू आपका 1 हो गया। इसके बाद M का वैल्यू 2L+1 होता है, यानी कि आपका 2 × 1 और यह 3 हो गया, जो माइनस L से प्लस L तक जाएगा, अर्थात IE -1 0 और +1 तक होगा। इसके बाद S निकालना है डायरेक्शन, यह देखो क्लॉक वाइज है तो एस का वैल्यू क्या होगा, प्लस हाफ हो जाएगा। इस तरह आप सभी एलिमेंट का क्वांटम नंबर निकाल सकते हो, यह ठीक है, यह बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लो। क्वांटम नंबर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।